हाय एवरीवन, रिंकू किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मेथी आलू की बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने एक बंच करीब 250 ग्राम के करीब मेथी मैंने ले लिया है और उसे अच्छे से उसका पत्ता वाला पार्ट को निकाल करके धो करके साफ़ कर लिया है। इसके बाद मैंने तीन आलू ले लिए हैं, तीन लाल नए आलू लिए हैं, उसे भी मैंने छील के धो करके साफ़ कर लिया है। और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मेथी आलू के लिए आलू का साइज़ बस इस तरह से ही रखिएगा, इससे क्या होता है ना कि मेथी आलू और भी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो लीजिए, मैंने सभी आलूओं को धीरे धीरे कट करके तैयार कर लिया है। और आलू को जब भी काटे तो उसे काटने के बाद उसे पानी में डुबो करके ज़रूर रख दे, नहीं तो आलू हमारा काला हो जाता है। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे रेसिपीज़ को लाइक करना ना भूलें, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आलू तो हमारे कट चुके हैं, चलिए अब हम मेथी के पत्तों को भी काट लेते हैं। मैंने मेथी के पत्तों को कुछ इसी तरह से बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर एक टिप्स है, जब भी आप मेथी के पत्तों को यूज़ करें तो कटिंग के पहले ही उसे अच्छे से धो करके साफ़ कर लें और उसके पानी को अच्छे से निकाल दें और तब उसकी कटिंग स्टार्ट करें। इससे क्या होता है ना कि पानी हमारे मेथी के पत्तों से हट जाते हैं। अगर पानी रह जाएगा ना तो सब्ज़ी में एक कड़वापन आ जाता है, तो इसीलिए कभी भी मेथी के पत्तों को धोए तो कटिंग से पहले ही धो करके साफ़ कर ले, उसके बाद उसे बारीक बारीक काट करके तैयार कर ले। तो लीजिए, हमारी मेथी के पत्ते भी कट करके तैयार हो चुके हैं। अब मैं एक पैन लूँगी और पैन में मैंने 2 चम्मच के करीब तेल ले लिया है, सरसों का तेल, और उसे अच्छा गर्म होने तक हम पका लेंगे। जब तेल से धुआं निकलने लगेगा तब हम उसमें 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे, और जीरा जब अच्छे से चटक जाए और उसका फ्लेवर जब ऑयल में अच्छे से मिल जाए तब हम उसमें आलू डालेंगे और आलू को 1 मिनट के करीब इसी तरह से हम भून लेंगे। जब आलू हमारे थोड़े से हल्के भुन जाएं तब हम उसमें 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और अदरक और साथ में लहसुन, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और इन तीनों को अच्छे से मिला करके मिक्स करेंगे और अच्छे से भूनेंगे। आलू और प्याज को मैंने एक साथ इसलिए ऐड करा क्योंकि जब तक हमारे आलू सॉफ्ट होंगे तब तक हमारे प्याज अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो लीजिए, हमारे आलू प्याज अदरक लहसुन कितने अच्छे से भुन करके तैयार हो चुके हैं और आलू भी हमारे थोड़े बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच के करीब मिर्च इसमें ऐड करेंगे और फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा मिनट के करीब जब ये अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें 3 से 4 हरा मिर्च, जिसे मैंने स्लिट करके डाल दिया है, और 1 बड़े टमाटर जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, फिर उसे अच्छे से मिलाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे ना तब इसे हम थोड़ी देर के लिए लीड लगा करके छोड़ देंगे ताकि हमारे टमाटर आलू सब एक साथ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए, सभी चीज़ों से ऑयल सेपरेट हो चुका है, आलू भी हमारे अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब चलिए हम इसे अच्छे से फिर से 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच से भी कम इसमें हम जीरा ऐड करेंगे और फिर उसे अच्छे से भूनेंगे। मेथी आलू की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मसालों का टेस्ट नहीं ऐड करना चाहिए, इसमें मेथी का जो अपना एक ऑथेंटिक फ्लेवर होता है ना वही काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये सब चीज़ें अगर अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें कटे हुए मेथी के पत्तों को ऐड करेंगे और फिर उसे इसी तरह से खुले में अच्छे से भूनेंगे। जब कभी भी मेथी आलू की सब्जी बनाए ना तो इसे इसी तरह से खुले में ही भूनें, ना इसका लिड लगाएं और ना ही इसमें पानी ऐड करें, और फिर इसे अच्छे से इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से इसी तरह से भूनते रहें। देखिएगा, धीरे धीरे मेथी अपने आप गलता चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर पानी डाल देंगे ना तो पानी डालते ही मेथी अपना मॉइस्चर रिलीज़ करेगा और इससे क्या होता है ना कि मेथी का कड़वापन जो है हमारे सब्ज़ी में ऐड हो जाता है, इसलिए इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। इसलिए मैंने आलू को पहले ही सॉफ्ट कर लिया था। अब देखिए, ये सारे चीज़ें कितने अच्छे से मिक्स हो गई हैं, मेथी और आलू कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप आलू की और मेथी की सब्ज़ी बनाइए, देखिएगा काफ़ी पसंद आएगी आपको। ये जितनी खाने में टेस्टी होती है उतनी हेल्दी भी होती है। ठंड के मौसम में ये सारी चीज़ें हमें अपने डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। और लास्ट में जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाए, मेथी अच्छे से गल जाए, तब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे और फिर उसे 1/2 मिनट के लिए उसे फिर से हम मिक्स करेंगे और हल्के तेज आंच पर इसे भून लेंगे। तो देखिए,
आलू मेथी कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुई है, कलर भी कितनी परफेक्ट आई है। तो इसी तरह से आप आलू मेथी की सब्ज़ी बनाइए, गारंटी है मेरी कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। आप इसे पूड़ी के साथ, पराठों के साथ काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं या बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।